Hello students, today we will read chapter number 16 of English House Mouse. Let us read the given words G R U M B L E D, grumbled, F U R N I T U R E, furniture, S C R U B E D, scrubbed, Y E L L E D, yelled, S T O -E stooped, A M B U L A N C E, ambulance, P A T I E N T S, patients. पी ओ पी यू एल ए आर पॉपुलर आई एन टी आर ओ डी यू सी ई डी इंट्रोड्यूस्ड ए डबल टी ई एन टी आई ओ एन एटेंशन नोवल रीड द स्टोरी ऑफ मिसिज मेलेडी इस स्टोरी में मिसिज मेलेडी है और उनके घर में रहने वाला एक माउस है और उनके नेबर्स हैं इस स्टोरी में हमें बताया गया है मेलेडी के नेबर्स किस तरह उनको चोट लगने पर उनकी हेल्प करते हैं सी रीड द चैप्टर मिसेस मेलेडी हैड नो चिल्ड्रन नो फ्रेंड्स नो कैट नो डोग और पैरट मिसेस मेलेडी का कोई बच्चा या उनके पास कोई बच्चा कोई दोस्त कोई बिल्ली कोई कुत्ता और तोता नहीं था मिसिज मेलेडी अलोन। वह या मिसिज मेलेडी अकेली रहती थी वेन पीपल सेट गुड मॉर्निंग टू हर शी स्काउल्ड जब लोग उन्हें गुड मॉर्निंग कहते तो वह चिल्लाती वेन दे सर्व हर इन द शॉप्स शी ग्रम्बल्ड जब वह उन्हें अपनी दुकान पर कोई सामान सर्व करते या पकड़ाते तो वह बड़बड़ाती ऑल डे लॉन्ग शी क्लीन हर हाउस पूरा दिन लंबे समय तक वह अपने घर को साफ करती शी पॉलिस्ड द फर्नीचर एंड स्क्रब्ड द सिंक वह खिड़कियों को पहुँचती फर्नीचर को पॉलिश करती और सिंक को साफ करती बट नो बॉडी एवर केम टू मीट हर परंतु कभी भी कोई उनसे मिलने नहीं आता अंडरनेथ हर सिंक सिंक देयर लव्ड माउस उनकी के नीचे वहाँ एक चूहा रहता था ही वॉज लोनली टू वह भी अकेला था ही डिड नो हार्म इन द हाउस वह घर की किसी भी वस्तु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था ही डिड नॉट ईट द चीज वह चीज भी नहीं खाता था ही डिड नॉट मेक होल्स इन द वुडन शेल्फ वह लकड़ी की बनी शेल्फ में होल भी नहीं करता था ही फाउंड ऑल हिज फूड आउटसाइड इन द गार्डन वह अपना सारा भोजन बाहर गार्डन में पाता था या ढूंढता था ही ओनली केम इन डोर्स टू गेट सम कंपनी वह अंदर केवल थोड़ा साथ पाने के लिए आता था बट मिसिस मेलेडी डिड नॉट लाइक माइस परंतु मिसिज मेलेडी को चूहे पसंद नहीं थे वन शी साहिम, शी शाउटेड एंड यल्ड वह उसे जब भी देखती वह चिल्लाती और चिल्लाती या उसे देखकर वह चिल्लाना शुरू हो जाती वन मॉर्निंग मिसिज मेलेडी डस्टेड एवरी थिंग इन द हाउस यूजिंग ऑल हर फोर डस्टर्स एक सुबह मिसिज मेलेडी अपने घर की हर चीज को अपने चारों डस्टर्स के साथ साफ कर रही थी अब डस्टर्स क्या होते हैं डस्टर्स होते हैं झाड़ फूंक या सफाई करने वाले कपड़े आफ्टर वर्ड शी वॉश्ड दैम एंड हैंग दम टू ड्राई ऑन द क्लोथ्स लाइन इन द गार्डन उसके बाद उन्होंने उन्हें धोया और सूखने के लिए कपड़े सुखाने वाली रस्सी पर बगीचे में टांग दिया व्हेन शी वॉज बैक इनटू द किचन सडनली द सोप स्लिप्ड थ्रू हर हैंड्स जब वह किचन में वापस आई तो अचानक उनके हाथों से साबुन स्लिप हो गया या गिर गया एज़ शी स्टॉपड टू पिक इट अप शी स्लिप्ड एंड फेल अक्रॉस द किचन फ्लोर जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकी वह फिसल गई रसोई के फर्श के पार या रसोई के फर्श पर गिर गई शि बम्ड हर हेड ऑन द सिंक जस्ट वेयर द माउस लिव उनका सिर सिंक से जा लगा वहीं पर जहां चूहा रहता था एंड आउट ही शर्ट स्केर्ड और एकदम आवाज सुनकर वो डर गया ही वॉज इवन मोर स्केर टू फाइंड दिस इज मेलेडी ऑन द फ्लोर विद हर आईज शर्ट वह यह देखकर और भी ज्यादा डर गया जब उसने मिसेस मेलेडी को फर्श पर गिरे देखा उनकी बंद आंखों के साथ या जब उनकी बंद आंखें थी द माउस रन राउंड एंड राउंड चूहा उनके चारों ओर घूमता रहा या उनके चारों ओर चक्कर लगाता रहा ही इवन टिकल्ड हर चिन विद हिज नोज एंड विस्कर्स बट नथिंग वुड वेक हर अप यहाँ तक कि उसने उनकी चिन को अपनी नाक और मूछों के साथ गुदगुदाया भी परंतु कोई भी चीज उसे उठा नहीं पाई वेन मिसिज मेलेडी डिट वेकअप शी फाउंड शी कुड नॉट मूव जब मिसिज मैलेडी जागी तो उन्होंने पाया कि वह हिल नहीं सकती ओ लिटल माउस इफ ओनली यू वार एबल टू हेल्प मी शीरसेड और छोटे चूहे अगर केवल तुम ही मेरी मदद करने में सक्षम थे उसने कहा इफ यू वर ए डोग यू कुड बाक टिल समिंग केम अगर तुम कुत्ते होते तो तुम भोग सकते थे जब तक कि कोई नहीं आ जाता इफ यू वर ए पैरेट यू कुड शाउट हेल्प हेल्प अगर तुम एक तोते होते तो तुम चिल्ला सकते थे हेल्प हेल्प बट आई डू नॉट सपोज अ माउस कैन डू एनी थिंग एट ऑल परंतु मुझे नहीं लगता कि एक चूहा यह सब कुछ कर सकता है या कुछ भी कर सकता है बट अ माउस कुड रन जस्ट एज वेल एज अ डोग और अ कैट परंतु चूहा केवल दौड़ सकता है जैसे कि बिल्ली या कुत्ता उन्होंने कहा जैसे एक बिल्ली और कुत्ता दौड़ सकते हैं केवल एक चूहा उनकी तरह दौड़ सकता है एंड द माउस एट वंस रन आउट एंड टू द गार्डन एंड लुक्ड अराउंड और तभी चूहा एकदम बगीचे की तरफ दौड़ा और उसने चारों ओर देखा ऑन द क्लोथ लाइन मिसेस मेलेडीज डस्टर्स वर टूजिंग इन द वेंट कपड़ों की रस्सी पर मिसेज मेलेडी के डस्टर्स हवा में झूल रहे थे या उछल रहे थे द माउस हैड अ ग्रेट आइडिया चूहे को एक बड़ा विचार आया या आइडिया आया ही रन अप द क्लोथ लाइन एंड बिगन टू निबल एट द डस्टर्स वह क्लोथ लाइन के ऊपर दौड़ा और डस्टर्स को कुतरना शुरू कर दिया ही बिट एंड बिट टिल द फर्स्ट डस्टर लुक्ड लाइक अ बिग एच वह थोड़ा-थोड़ा कुतरता गया जब तक कि पहले डस्टर पर एच दिखाई नहीं देने लग गया कि जब तक कि उस पहले डस्टर पर एच नहीं बन गया वह उसको कुतरता रहा देन ही अटैक द नेक्स्ट एंड निबलड अर्थ इनटू एन ई तब उसने अगले पर आक्रमण किया और उसने उसको कुतर कर उस पर ई लिखा या ई बनाया द द थर्ड डस्टर बिकेम एन एल एंड लास्ट इनाया पी तीसरे पर एल बनाया और चौथे पर या लास्ट पर पी बनाया हेल्प हंग ऑन द लाइन वेविंग इन द विंड हेल्प रस्सी पर झूल रहा था और हवा में हिल रहा था द वाले पड़ोसी ने उसे देखा। द मैसेज पास डाउन द स्ट्रीट कुछ गलत हुआ है मिसेस मेलेडी के यहाँ यह संदेश जल्दी ही सारी गली में फैल गया इन मिनट एवरी बॉडी वॉज रनिंग टू मिसिज मेलेडी एक ही पल में सब मिसेस मेलेडी की तरफ दौड़े सून द डॉक्टर अरराइव्ड जल्दी ही वहां डॉक्टर आ गया मिसेस मैलेडी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एंबुलेंस मिसेस मेलेडी को हॉस्पिटल ले जाया गया एम्बुलेंस में शी हैड ब्रोकन हर लेग उनकी टांग टूट चुकी थी इट took some time to mend उन्हें ठीक होने में कुछ समय लगा या उनमें सुधार होने में कुछ समय लगा एवरी वन वाज काइंड टू हर सभी उनके प्रति दयालु थे एंड द नेबर्स प्रोट हर स्वीट्स एंड फ्रूट एंड फ्लावर्स और पड़ोसी उनके लिए मिठाइयाँ और फल और फूल लेकर आए मिसिज मैलेडी बिगेन टू स्माइल वेन शी सा दैम कमिंग मिसिज मैलेडी स्माइल देती थी या स्माइल करना शुरू कर देती थी जब वह उन्हें आता देखती थी शी ऑल्सो स्माइल्ड एट द नर्स एंड द डॉक्टर्स एंड अदर पेशेंट्स वह नर्सेज को और डॉक्टर्स को और दूसरे पेशेंट्स को भी स्माइल देती थी शी बिकेम क्वाइट अ पॉपुलर लेडी इन वार्ड वह वार्ड में एक क्वाइट पॉपुलर या लोकप्रिय लेडी बन गई बट वट न नॉट अंडरस्टैंड इट हाउ यू एवर हैंग दैट मैसेज ऑन द क्लोथ लाइन वेन यूर लेग वॉज ब्रोकन द नेबर सेड परंतु हम यह नहीं समझ सके आपने मैसेज या संदेश को कपड़ों की रस्सी पर कैसे टांगा या लिखा जब आपकी टांग टूट चुकी थी पड़ोसियों ने कहा इफ वु हैड नॉट सीन इट यू माइट हैव बीन लाइंग देयर एवर नाओ अगर हमने उसे नहीं देखा होता तो आप अभी वहाँ पर ऐसे ही पड़ी रहती या पड़ी होती वट मैसेज आज मिसिज मेलेडी कैसा संदेश मिसिज मेलेडी ने पूछा दे ब्रोट हर द डर्स एंड लेड दैम आउट ऑन हर बेड वह उनके डस्टर्स को अंदर लाए और बाहर उनके बेड पर निकाल के रख दिए रीड उन्होंने उसे पढ़ा। यह लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि इन शब्दों को खाया गया है नेबर्स पड़ोसियों ने कहा आई बिलीव इट वॉज माई माउस से मिसेस मेलेडी ने कहा मुझे विश्वास है कि यह मेरा चूहा है या मेरे चूहे ने ऐसा किया है द माउस वेटेड पेशेंटली टिल मिसेस मेलेडी केम होम चूहा धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता रहा जब तक मिसेस मेलेडी घर वापस नहीं आई नाउ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल केम विस्टिंग द हाउस अब सब तरह के लोग घर आने लगे मिसिज मेलेडी वॉज गेटिंग ऑन वेरी वेल इन डीड मिसिज वास्तव में बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रही थी क्योंकि अब उनको उनकी जरूरत थी She had a bright word for all the visitors. उनके पास उनके लिए बहुत अच्छे शब्द थे या ब्राइट शब्द थे विजिटर्स के लिए जो उनसे मिलने आते थे या उनको देखने आते थे एंड शी आलवेज इंट्रोड्यूस देम टू हर माउस वह हमेशा अपने चूहे को उनसे मिलवाती या उसका परिचय करवाती थी द माउस फेल्टा लिटल शाई नाव चूहा अब थोड़ा शर्म महसूस करने लगा देयर सो मच अटेंशन वहाँ उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था या अटेंशन दी जाती थी बट वेन ही एंड मिसिज मेलेडी वर एलोन ही क्रप्ड आउट फ्रॉम अंडर द सिंह

उसने उसे बताया कि वह दुनिया या संसार में सबसे चतुर चूहा था इस चैप्टर में हमने रीड किया कि मिसेस मेलेडी की किस तरह उनके घर में रहने वाले चूहे और उनके नेबर्स ने हेल्प की जब उनको चोट लग गई इसी तरह हमें भी अपने नेबर्स की और अपने बड़ों की हेल्प करनी चाहिए नाउ यू कैन रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक